News 18, India. इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के ऐलान के बाद वहां हिंसा भड़क उठी। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत देने वाले कोर्ट के फैसले के बाद जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। इसके बाद उनके बुलावे पर हजारों की तादाद में उनके समर्थक बरेली में इकट्ठा हो गए और वहां हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव तक हो गया। इसके बाद तो वहां भगदड़ सी मच गई। इस दौरान कुछ लोग हाथों में पत्थर लिए भी नजर आए। हालांकि वहां पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उनकी जरा भी नहीं सुनी और एक दूसरे पर पत्थर बरसाते गए। इस दौरान लोगों का झुंड डरा सहमा उस पुलिस वाले से शिकायत करता दिखा, लेकिन दूसरी तरफ इतने लोग थे कि वो पुलिस वाला भी बेबस नजर आया। इस पत्थरबाजी की वजह से कई लोग तो खूनाखून हो गए। मतलब मिनटों के अंदर वहां ऐसा बवाल मचा कि लोग दहशत से भर गए। पत्थरबाजी की खबर जैसे जैसे फैली, लोग अपनी दुकानें बंद करके वहां से भागना शुरू हो गए, क्योंकि वहां हालात अचानक बिगड़ गए। बरेली में सुबह से ही तनाव का माहौल था, जगह जगह पुलिस तैनात थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वहां माहौल इतना बिगड़ जाएगा और नौबत हिंसा भड़कने तक पहुंच जाएगी। बरेली के श्यामगंज इलाके में हुई इस पत्थरबाजी से वहां हड़कंप मच गया। वहां चले पत्थरों ने कई लोगों को चोट पहुंचाई। कुछ युवक लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पत्थर मार दिए हैं, मामूली चोट आई है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उस इलाके में एक बड़ा मार्च निकाला ताकि उस इलाके में मचे बवाल को कम किया जा सके। एक जगह झगड़े की सूचना आई थी, वहां पे भी अटेंड कर लिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से फोर्स लगाया गया है। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। वहां सड़कों पर खून के धब्बे और पत्थर फैले नजर आए। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि उन्हें ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के ऐलान के बाद वहां हालात बिगड़ गए। उन्होंने जुमे की नमाज के दिन बड़ी मात्रा में लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी और इसका असर यह हुआ कि हजारों लोग बरेली में गिरफ्तारी देने उतर आए। इसके बाद तो वहां हालात इतने बिगड़ गए कि जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। हजारों की तादाद में आगे बढ़ते मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने सड़कें जाम कर दी। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पहले ही पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और जैसे ही लोग आगे बढ़े पुलिस से उनका टकराव हो गया। लोग आगे बढ़ने के लिए ताकत लगा रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कसम खाई हुई थी, लेकिन इसी बीच खबर आई कि मौलाना तौकीर रजा नमाज के लिए अपने घर से निकल पड़े। इसके बाद तो उनके समर्थक रुकने को राजी ही नहीं हुए। वो नारे लगाते हुए पुलिस वालों को धकेलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने एक साथ खड़े होकर एक मजबूत दीवार बना ली और तौकीर रजा के समर्थकों को दुगनी ताकत से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा से भी घर से ना निकलने की अपील की, क्योंकि आशंका ये थी कि अगर वो अपनी गली से बाहर निकले तो हजारों की तादाद में बाहर मौजूद उनके समर्थक बवाल कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए ही पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के घर के आसपास के इलाके को छावनी में बदल दिया, लेकिन उनके कुछ समर्थक इसके बावजूद वहां जुट गए और जैसे ही मौलाना तौकीर रजा घर से निकले पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा नमाज के बाद गिरफ्तारी देने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें नजरबंद कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद जब बवाल थम गया तो उन्हें रिहा भी कर दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से वापस रिहा कर दिया गया, अभी कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानवापी केस में दिए फैसले के विरोध में गिरफ्तारी देंगे। इसके लिए उन्होंने जुमे की नमाज के बाद का वक्त तय किया था और इसी वजह से उनके बुलावे पर बरेली में उनके हजारों समर्थक इकट्ठा हुए थे। हालांकि पुलिस ने इसके लिए पहले से ही तैयारी पुख्ता की हुई थी, जिसका असर ये हुआ कि वहां कोई बड़ा बवाल होने से पहले ही हालात पर काबू पा लिया गया। हालांकि बरेली अकेला ऐसा शहर नहीं था जहां इस तरह का प्रदर्शन हुआ हो। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी जमीयत उलेमाए हिंद नाम के संगठन ने इसी तरह का प्रदर्शन किया।